फाइनली हम पहुंच गए दोस्तों जोधपुर। जो आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा वो है मेहरानगढ़ का किला। ये एक ऐसा किला है जिसका अपना ही एक इतिहास है। इस किले के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, अंदर से इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक एक पार्ट को हम आपको वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस किले से जुड़ी कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। ये किला जोधपुर की एक चोटी पर बना हुआ है और इस किले को बनाने वाले जो राजा थे, शासक थे, उनका नाम था राव जोधा। राव जोधा ने यह किला बनाया, जो कि जोधपुर के राव जोधा के नाम से जोधपुर का नाम पड़ा, जो कि जोधपुर के शासक थे। इससे पहले, जोधपुर से पहले जो राजधानी थी मारवाड़ की, वो थी मंडोर। लेकिन उन्होंने उस मारवाड़ की राजधानी को जोधपुर स्थापित किया। और भी कई रोमांचक चीज़ें हैं इस किले से जो जाननी है हमें, तो वो जानेंगे धीरे धीरे। चीज़ों को भी देखेंगे और इस किले के बारे में और भी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग कहानी भी है जो यहाँ के लोकल लोगों से मैंने जानी है, और कुछ हिस्टोरिकल बुक से, कुछ विकिपीडिया से, अलग अलग जगह से मैंने उठाई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सामने जो देख रहे हो टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंटर कर पाओगे। कुछ इस तरीके का एंट्रेंस है यहाँ पर, जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। अभी मेला होने की वजह से काफ़ी भीड़ है, नवरात्र हैं, इसलिए यहाँ एक माता का मंदिर है इस किले के एक छोर पे, इस वजह से यहाँ पर भीड़ इस समय काफ़ी है। तो चलिए अंदर चलो। तो देखिए अंदर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और अभी जब जहाँ से हमने एंटर किया, ये सूरज पोल है। सूरज पोल एक द्वार का नाम इसका, वो द्वार जहाँ पे कुछ रानियों ने जौहर किया था, तो उससे पहले अपने हाथों के वहाँ पर निशान है उनके। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा, देखो बिल्कुल हवेलियों जैसा ही आपको दिखाई देगा। देखिए आप, इस तरीके का व्यू है। देखिए किले के एक बड़े हिस्से में एक बड़ा म्यूज़ियम है, जिसमें सारी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। जगह जगह लेख भी लिखे हुए हैं कि कौन सी चीज़ किस काम आती है, और साथ ही हर वो चीज़ जो उस टाइम राजा महाराजा या फिर इस किले में जो लोग यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हैं। सारी तो क्या, जैसे हथियार हैं सब, उनके कपड़े किस तरीके के कपड़े होते थे, कुछ फॉसिल्स वगैरह, अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, ये सब है। और पालकियाँ हैं, जो पालकियाँ राजा महाराजा इधर से उधर जाने के लिए या फिर रानियों के लिए जो यूज़ होती थी, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हैं। तो आप देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। इस किले का जो सबसे खूबसूरत कमरा है, उसका नाम है फूल महल, और उस फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया। ये जो आप देख रहे हो, ये फूल महल भी इस किले के अंदर ही है, और ये एक सबसे खूबसूरत कमरा है किले का। इस किले की छतों पे देवी देवताओं की फ़ोटो, उनके परिवार की फ़ोटो, मतलब जो चित्रित की गई हैं अलग अलग रंगों से, जगह जगह फूल पत्तियों से इसे डेकोरेट किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे स्टोन्स और ये कांच वगैरह से यूज़ किए गए, जो काफ़ी शाइन करते हैं और इस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ यूज़ की गई हैं। तो सब इस किले की खासियत है।